अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है बहुत ही स्पेशल और ईद के हवाले से वो है। तो हम लोग काफ़ी लोगों ने फरमाइश की थी कि आप हमें कोफ्ते बनाना सिखाएं, तो आज हम लोग जो आपको बनाना सिखा रहे हैं वो है कोफ्ते। और वो कैसे बनेंगे, उसकी रेसिपी क्या है, पूछते हैं मामा से। जी मामा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। ये 1 किलो कीमा मैंने लिया बारीक मशीन का, ठीक है। आधी चम्मच मिर्च की, आधी चम्मच सुर्ख मिर्च की पीसी हुई, 1 चम्मच नमक का, आधा चम्मच जीरे का, 1 चम्मच सूखा धनिए का, 2 रस लिए मैंने डालने के लिए। अच्छा जी, ये 3 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, ये धनिया प्याज आधा लिया है, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये सारा ना मैं मिक्स करके ना कूटूंगी, कूट के फिर 1 अंडा डालूंगी। अंडा नहीं मैंने अभी डाला इसमें, कूटने के बाद डालूंगी। फिर इसके ना वो गोल गोल से बॉल बना लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने ये जो इंग्रेडिएंट्स देखे हैं ये वो हैं जो हम लोगों ने अपने कोफ्तों के, जब हम लोगों ने इसको क्या कहते हैं ग्राइंड करना है ना, तो उसके अंदर शामिल करने हैं, ठीक है। अंडा भी हम लोगों ने शामिल करना है, लेकिन वो लास्ट पर करना है जब ये सब कुछ आपस में मिक्सअप हम कर लेंगे अच्छी तरह से। तो अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं ये जो हमारे कोफ्ते के जो हमारे जो बॉल्स होंगे वो रेडी हो जाएँ। तो फिर आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि आज की जो वीडियो बहुत स्पेशल है और आप लोगों ने इसको पूरा देखना है। जी तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे कोफ्ते हैं हम लोगों ने इनको तैयार कर लिया, ये बॉल्स हम लोगों ने बना लिए हैं। तो हम लोगों ने सबको अच्छी तरह से कूट कर इसके अंदर हम लोगों ने अंडा और जो है रस वो भी शामिल किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितने अच्छे ये बॉल जो है वो बन चुके हैं। अब हम लोग इसका मसाला तैयार करते हैं और आपको दिखाते हैं जो मज़ेदार से जो हमारे ईद स्पेशल कोफ्ते की रेसिपी है कैसे तैयार होगी। व्यूअर्स, आप लोगों को जैसा कि बताया कि हम लोग जो से हैं वो कोफ्ते बना रहे हैं, तो हम लोगों ने कोफ्ते तैयार कर लिए हैं, आपको दिखा दिया है, उनकी बॉल्स बना लिए। तो यहाँ पर जो उसकी ग्रेवी है उसको हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे हम लोगों ने जो प्याज है लिए हैं तकरीबन 3 से 4 अदद, और उसके अंदर हम लोगों ने कुकिंग ऑयल शामिल किया, और यहाँ पर उनको ना हम लोग थोड़ा सा कलर देंगे, हल्का सा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग वेट करते हैं, उनको कलर देते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो हमारी मज़ेदार सी कोफ्तों की रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी। हाँ जी, ये देखें ना, प्याज हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं कोफ्तों के लिए, तो थोड़े से और कर लेते हैं। तो फिर हम लोग उसको गलने के लिए रखना पानी डालकर। हाँ जी, प्याज गलने के लिए फिर कोफ्ते डाल देंगे, ठीक हो गया। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम लोग मतलब अपने प्याजों को पहले गलने के लिए रखेंगे, यानी वो हमारे पानी भी हमें शामिल कर दिया है। उसके बाद हमारे जो कोफ्ते जो हमने आपको दिखाए हैं उनको हम तैयार करेंगे। तो थोड़ी देर वेट करके आपको दोबारा दिखाते हैं कि जो से हमारी आज की रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी। हाँ जी, अब थोड़े से हो गए हैं प्याज, अब मैं कोफ्ते डालती हूँ। हम लोगों ने यहाँ पर नाज़नी प्याज जो थे गलने के लिए रख दिए थे, ठीक है। उसके अंदर हम लोगों ने वो कोफ्ते जो से हम लोगों ने आपको उनकी बॉल्स बनाकर दिखा दी थी कि कैसे आप लोगों ने तैयार करने हैं और किस तरह तैयार हुए हैं, क्या क्या मसाले इसके अंदर डले, वो भी हम लोगों ने आप लोगों को बता दिया था। अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो को पूरा देखा तो आपको पता होगा किस तरह के कौन कौन से मसाले और कितनी मिकदार में उनको डालना है। तो हम लोगों ने वो डाल दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों ने प्याज गलने के लिए रखे, जो हमने उसकी ग्रेवी बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेवी बन रही है, प्याज हमारे गल गए, कलर आप लोग देख सकते हैं किस तरह हम लोगों ने कर लिया है इसका। और इसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर जो कोफ्ते हैं वो शामिल करने हैं। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं ये बॉल्स बनी हुई है जो उसी कोफ्तों की। अब इन्हें ना हलाना नहीं है। अच्छा, हलाना नहीं है। इन्हें व्यूअर्स सुन लिया। हाँ। आप लोगों ने के थोड़ी देर तक ऐसे ही रख देना है। हाँ, पकने के लिए हलाने नहीं है, थोड़ी देर तक लाएंगे, हल्की आंच पे रखते हैं इसे, ठीक है। तो व्यूअर्स, हम लोगों ने यहाँ पर तो कोफ्ते शामिल कर दिए, उनको हल्की आंच पर रख दिया, थोड़ी देर के बाद हम लोग इसको हलाएंगे। सडनली हम लोग इसको डालने के बाद नहीं हलाना, तो हम लोग वेट करते हैं, आपको दोबारा दिखाते हैं। हाँ जी, ये देखे पकने माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में ये। हाँ जी, ये पानी सूख जाए फिर भूनते हैं, आग तेज कर देते हैं इसकी, 5-10 मिनट में ना ये भून, ठीक है। मतलब हम लोग इसकी फ्लेम को ज़्यादा कर लिया ताकि जो पानी है ये खुश्क हो जाए। इसके बाद इसकी भुनाई करेंगे हम लोग, और दही भी डालनी है इसके अंदर, ठीक है। व्यूअर्स, हम लोग वेट करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो आज हमारे मज़ेदार से कोफ्ते तैयार हो रहे हैं, आप लोगों ने इसकी रेसिपी को पूरा देखना, यकीन आप लोगों को ये अच्छी लगेगी, क्योंकि बहुत ब्रीफली मम्मा ने समझाया कि आप लोगों ने कोफ्ते कैसे तैयार करने हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट करने के लिए, फ्लेवर के लिए हम लोगों ने आलू भी डाल दिए कोफ्ते। नहीं, हमने डालने अंडे थे, अंडे आजकल ना गंदे होते हैं ना, इसलिए नहीं डाले।
अच्छा ठीक हो गया, मतलब वैसे तो हम तो अंडे कोफ्ते खाते हैं, खाली भी पका लेते हैं इसके, तो मैंने खुद ही डाले हैं आलू, तो चलो जायका बन जाएगा। ठीक हो तो खाली भी पका लेते हैं, अंडे कोफ्ते भी बना लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर आलू डाल दिए हैं और हमारी ये जो अब हम लोग इसको आलू कोफ्ते की रेसिपी कह सकते हैं। वैसे तो मम्मा ने आपको बता दिया कि हम लोग मतलब अंडे वगैरह डालते हैं, ये इसको सिंपल भी बनाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि अंडे आजकल गर्मियों का सीज़न है तो थोड़े से उनका इशू और रिस्क रहता है कि अच्छा हम लोग इसको बॉयल भी नहीं कर सकते इस तरह, इसलिए हम लोगों ने इसके अंदर टेस्ट के लिए आलू डाल दिए हैं। तो यहाँ पर इसको बना रहे हैं, उसको पानी फिश करके इसके अंदर नमक भी डालेंगे हम लोग। हाँ जी मिर्चें, हाँ जी वो डालनी है अभी, दही भी डालनी है, ज़रा से हो जाए ना थोड़े से, तो मैंने कहा ये भी हो जाए साथ ही आलू, ये देखे ना पानी थोड़ा सा सूख जाए ना इसका, तो फिर मैं ना 5 मिनट ये सूख जाए पानी। चलो दिखाते हैं फिर, ये मैंने दही भी डाल दी है, अब दही का पानी सूख जाएगा ना फिर नमक मिर्ची डालेंगे। ठीक है, तो मतलब इससे इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, दही से डालने से गाढ़ा सा भी हो जाएगा, गाढ़ा सा भी हो जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह इसका खुशबू बहुत अच्छी है। तो मम्मा ना आप लोगों ने नमक मिर्च वगैरह डाल, ये पानी सूख गया है ना फिर मैं डालती हूँ। ठीक हो गया, तो बहुत ही ज़बरदस्त है ये जो हमारा आज उसका कोफ्ते और आलू का सालन है वो तैयार हो रहा है, तो बहुत ही मज़ेदार होगा ये तैयार इंशाल्लाह, आप उसको ज़रूर ट्राई करो, आप लोगों को पसंद आएगा। तो मेन जो ट्रिक होती है कोफ्ते बनाने की वो मम्मा ने आपको सिखा दी, आपको अंदाज़ा हो गया अगर मतलब कोफ्ते कैसे बनाने, क्योंकि बाज़ लोगों की यही होती है प्रॉब्लम जिनसे कोफ्ते नहीं बनते, टूट जाते हैं खुल जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने हैं, कोई ऐसा इशू नहीं हुआ, ना ही टूटे हैं ना ही खुले हैं। तो यहाँ पर हम लोग पानी खुश होने का वेट कर रहे हैं, जीरा भी डाल दिया मैंने। ठीक हो गया, तो जीरा डाल दिया इसके अंदर, हाँ 1 टेबल स्पून हम लोगों ने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया। ठीक है, अभी भी फिलहाल हम लोग इसको मतलब इसके पानी का खुश्क होने का वेट कर रहे हैं, हल्दी डाल दिया, जीरा डाल दिया, नमक डाल दिया, इसको अब हिला रही हैं हम लोग अच्छे से, आप लोगों ने मिक्स कर लेना ताकि जो से हम स्पाइस डाले हैं अच्छे तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाएँ। इसके अलावा जो हमारा कीमा है उसके हमने कोफ्ते बनाए हैं वो आप लोगों को पता है, आप लोगों के सामने हमने हमारे सारे मसाले दिखा दिए थे कि किस तरह आप लोगों ने बनाना है, क्या क्या लेना है आप लोगों ने, देखिए तो कितना अच्छा मसाला कलर भी चेंज हो गया है इसका, घी भी छोड़ दिया, घी भी छोड़ दिया, 5 मिनट भी हो गए हैं। अच्छा, तो अब लास्ट स्पाइस है कि जो हमारी रेड पेपर है हमने उसको शामिल करना है, बस एक चम्मच ठीक है, मिर्च तेज है, मिर्च तेज है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको स्पाइसी खाना नहीं पसंद तो आप कम डालें, अगर आपको स्पाइस पसंद है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको ज़्यादा कर सकते हैं, डाल सकते हैं। आप हम लोगों ने 1 टेबल स्पून जो है रेड पाउडर, रेड चिली पाउडर उसको शामिल किया है, तो फिर उसको हम लोग हिलाएंगे, तैयार कर रहे हैं हम लोग इसको, तो इसके बाद मम्मा लोग मतलब क्या करेंगे इसमें ना थोड़ा सा पानी डाल के पकने रख देंगे ना आलू गल जाए। ओ एग्जैक्टली, ठीक है, हम लोगों ने मतलब जो है हमारे जो कोफ्ते वो तो तकरीबन पक चुके हैं, अब हम लोगों ने आलू है उनको पकाना है, उनको गलाना है, तो हम लोगों ने आलू को बाद में डाला है, तो यहाँ पर हम लोगों ने अब इनको हला के इसके अंदर पानी डालना है। ये देखिए ना इसमें घी भी आ गया, घी भी माशाल्लाह निकल आया, देखे कितनी प्यारी रंगत हो गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, और इसकी शक्ल भी आप लोग को देख कर जज कर सकते हैं कि माशाल्लाह कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है। और अगर आप ऐसे भूनना वगैरह खा सकते हैं तो वो भून लें, ऐसे मसाले वाले खा लें, ठीक है, मतलब अगर आप लोगों ने ज़्यादा इसका शोरबा नहीं करना, ऐसे मसाले वाले ये घी वाले देखे ना ऐसे खाने हैं अगर, ऐसे तो ऐसे भी आप खा सकते हैं, मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। ठीक हो गया, मतलब आपका है क्या आपने ऐसे इसको मतलब स्टेज पर भी ये आप उसको मतलब ये कि आपके दोनों चीज़ें जो से मतलब मेन आलू हैं और जो कोफ्ते हैं वो गले हुए होने चाहिए, अदरवाइज आप लोग इसको स्टेज पर भी डन कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखें कितना प्यारा घी आ गया ऊपर, ये देखें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, ठीक है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा हम लोगों ने डाला क्योंकि हम लोगों ने जो आलू है गलने के लिए रखना है, तो यहाँ पर हम लोग फिर इसका वेट करते हैं, आपको भी फिर दोबारा दिखाते हैं। हाँ जी, ये मैं हिला के ना उबाला दिला के ये देखे माशाल्लाह कितना प्यारा कलर हो गया, बस ये आलू उबलाने के लिए ना मैंने पानी डाल दिया। ठीक है, तो आपको दोबारा दिखाते हैं, आप लोग हमारे साथ हैं ना, हमारी वीडियो को पूरा देखना व्यूवर्स, क्योंकि आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही अच्छी और मज़ेदार से तैयार होने वाली है। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा है, माशाल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा जो सा ये है तैयार हो गया सालन,
और खुशबू इसकी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आ रही है। और सबसे बढ़कर जो व्यूवर्स की बात है जो आप लोग नोट कर सकते हैं कि जो हमारे माशाल्लाह कोफ्ते हैं बिल्कुल भी नहीं टूटे, जिसकी स्पेशलिटी है जो हम कह सकते हैं कि जो होता है ना टैलेंटेड बंदा उसको हर चीज़ को फेस करना आता है, उसको पता होता है कि हम अगर मैं अपनी बात करूँ हो सकता है फर्स्ट टाइम जब मैं बनाऊँ तो मुझसे भी माशाल्लाह इतने अच्छे ना बने, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि जब इंसान पहली बार काम करता है इतना तो प्रोफेशनल होता नहीं है। प्रोफेशनल और आम बंदे में यही तो फ़र्क है, हमने जो काम करना है वो बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म के साथ करना है, अच्छा करना है, बेहतर करना है। और यहाँ पर वो हम लोग इस चीज़ को जज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है जो हमारे हैं कोफ्ते। और इसकी ये भी तो है कि मम्मा ने आपको मतलब मेन ट्रिक्स बताई थी, जैसे कि हम लोग उसके अंदर रस डाला था और अंडा डाला था, उससे भी इसकी अच्छी बाइंडिंग हो जाती है। हाँ जी, उसकी वजह से टूटे भी नहीं, टूटे भी नहीं है, उसकी बाइंडिंग तो काफ़ी ज़बरदस्त हो गई है इस वजह से। तो ये देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह फाइनल लुक। तो आप लोग चाहे तो इसके अंदर अंडे भी बॉईल करके डाल सकते हैं, अंडे कोफ्ते भी हम लोग बनाते हैं, सिंपल हम लोग कोफ्ते भी बना सकते हैं, आलू कोफ्ते भी बना सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने आपको बता दें गर्मियों का सीज़न है तो यहाँ पर अंडों का जो है वो है कि वो मतलब गंदे निकलते, सही नहीं होते, साफ़ नहीं निकले, और उनको बॉईल करके डाला होता है, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर इसको थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट करने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को आलू मतलब बहुत पसंद होते हैं तो वो लोग कम से कम आलू डालकर इसको इन्जॉय कर सकते हैं इस बार, चले वो कोफ्ता भी बच्चों को भी मतलब काफ़ी पसंद होते हैं, बच्चे तो आलू के शौकीन होते हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो हम लोगों ने आलू डाल दिए। तो व्यूअर्स उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अंडे और रस ज़रूर डालें, ठीक है? तो बिल्कुल जी, तो हमारी यहाँ पे जौन सी हैं मम्मा, वो आप सब अपने देखने वालों को एडवाइस कर रही कि जब भी आप लोग कोफ्ते बनाएं इसके अंदर अंडे और रस ज़रूर डालें, उससे ये है कि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी, बिल्कुल भी जो आपके कोफ्ते हैं वो नहीं टूटेंगे। ये बहुत ही ख़ास और अच्छी ट्रिक है जो हम लोगों ने आपको बता दी है, माइट भी आप इससे पहले आप लोगों को इस चीज़ का नॉलेज ना हो लेकिन आप लोगों को फ़ायदा होगा अगर आप लोगों ने हमारी रेसिपी को देखा है। तो अगर आप लोगों को इस तरह की कोई डिफ़िकल्टी फेस होती है तो नेक्स्ट टाइम वो इंशाल्लाह नहीं होगी। तो हम लोगों दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह हम लोग एक नई रेसिपी के साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।